जो पहले का मनाली था, लाइक ज़्यादा क्राउडेड नहीं, नेचर के करीब। अगर ऐसी जगह आपको एक्सपीरियंस करनी है तो दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट दैट। दिन दूसरा, स्थान मनाली। एक बात बताओ, गोवा का प्लान भले तुम 10 साल से कैंसिल कर रहे होंगे, लेकिन मनाली का प्लान कैंसिल मत करना, वरना मेरी तरह माउंटेन व्यू के साथ चाय मिस कर दोगे, जिसका मज़ा ही अलग है। बहुत ही बढ़िया और साफ मौसम है यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। किसी भी शहर को अच्छे से जानना हो तो पैदल चलकर नज़दीक से महसूस करो। मेरा मतलब है इतना भी नहीं। होटल से निकले पैदल, पैदल से मिल गई सवारी, सवारी से अब रोड रोलर, लेकिन वो तो बंद था, फिर मस्ती तो बनती है ना। बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ चीटी, मामा जी क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, ए चाबी दो, चाबी दो, ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। अब हम जा रहे हैं मनाली के बहुत ही फेमस वाटरफॉल पे, जोगनी वाटरफॉल। मनाली में ठंडे पानी से नहाओगे तो सर्दी लग जाएगी, तो क्यों ना गर्म पानी के पास चलें। हमारा अगला लोकेशन है वशिष्ठ, जो कि मनाली की गलियों से होकर जाता है। कहते हैं पूरे मनाली में ये एक ही जगह है जहां गर्म पानी से नहा सकते हो नेचुरली। पहुंच चुके हैं वशिष्ठ, यहां पे आपको नेचुरल हॉट स्प्रिंग मिलेगा, अंदर चलते दिखाते हैं आपको। भाई साहब पूरा 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 चीटिंग, नो चीटिंग। तो लास्ट टाइम के ऐसे भी ये पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है। कैसा लग रहा है? पहले तो पानी बहुत गर्म लग रहा था, लेकिन अब एकदम पीसफुल। और मुंबई से मनाली की थकावट एकदम दूर। वैसे अगर आपने मेरा मुंबई से मनाली का सफर नहीं देखा तो उसका भी व्लॉग आ चुका है, जरूर देखना। तो भाई जी हमें मिले और भाई जी हमारे लिए रुके थे कि हमारे साथ इन्हें फोटो निकालनी है। तो शुक्रिया भाई जी। क्या नाम है भाई आपका? अरुण है सर। और कहाँ से आए आप? मैं मनाली से। मनाली से। इनकी अभी प्लस वन की पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, इन्होंने बाहर रुके थोड़ा हमारा चैनल देखा और काफी पसंद आया। तो आपको भी अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो क्या करना है, इन्हें लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे के एडवेंचर्स देखते रहने के लिए सब्सक्राइब। क्या बात है। लो भाई मनाली में तो फैन मूवमेंट भी हो गया। वेल, जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ के ओनर रोहित जी ने हमें बताया कि पास ही में एक छोटे ट्रैक के बाद एक हिडन वाटरफॉल है जहाँ कोई नहीं जाता, और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाएंगे। और फिर हम निकल पड़े अगला लोकेशन एक्सप्लोर करने, हिडन वाटरफॉल। तो ये रहा बड़ा सा पत्थर और ये है बहुत ही बढ़िया पूल। यकीन नहीं होगा, इस पूल का नाम है लापता पूल। और अब मौका आ चुका है कि हम यहाँ पे हिडन वाटरफॉल है जो ज्यादा टूरिस्टिक नहीं है। जोगनी पे हमने देखा काफी ज्यादा रश था, एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर सम ऑफ बीट लोकेशंस।
मनाली इज नॉट जस्ट अबाउट मॉल रोड एंड यू नो क्राउडी पीपल, वो तो हमको मुंबई दिल्ली कोलकाता सब जगह दिख जाएगा। सो अगर आप जो पहले का मनाली था लाइक ज़्यादा क्राउडेड नहीं, नेचर के करीब, अगर ऐसी जगहें आपको एक्सपीरियंस करनी है तो दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट दैट। कितनी सही जगह है यार, ऐसा लग रहा है जब यहाँ से जाऊँगा तो एक यादों का कारवा लेके जाऊँगा। कैसी लगी उस धूप की किरण लौट कर बताना, कैसा लगा उस झरने का आवाज़ लौट कर बताना, कैसा लगा उस ठंडे हवा का झोंका लौट कर बताना, कैसा लगा वो पूरा मनाली। क्या बात है, आप भी शायर हो गए। और फाइनली हम पहुँच गए बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास। लेकिन ये जगह इतनी अच्छी लगी यार कि हमने सोचा क्यों ना उन दोनों को भी बुला ले। कौन दोनों? अरे ये दोनों। तो ये थे मनाली के कुछ खास जगह जहां आप जरूर जाना, और जैसे हमने छोड़े वैसे आप हमारे कदमों पे आपके छाप छोड़ाना। अलविदा लेंगे इस एपिसोड से, आशा है आपको हमारा सफ़र पसंद आया हो। और एक एपिसोड बाकी है, मज़ेदार होगा वो भी। सब्सक्राइब कर लेना और इस वाले को शेयर ज़रूर करना।